नमस्कार, कंट्री इनसाइड न्यूज में आपका स्वागत है। दिल्ली ब्यूरो से मैं शशिकांत। पुलवामा हमले में शहीद हुए सभी सीआरपीएफ जवानों को कंट्री इनसाइड न्यूज एजेंसी की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज हम बात कर रहे हैं पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान के भरतपुर जिले के नगर तहसील के गांव सुंदरवाली निवासी जीतन राम गुर्जर का, जिनको शहीद हुए पूरा एक साल हो गया, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाले मुआवजे और नेताओं के कई वादे बिल्कुल फीका दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई घोषणाएं हुई, लेकिन अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया, ना ही शहीद का स्मारक बनाया गया। आज शहीद के परिवार, माता पिता और पत्नी से बात करती है हमारे संवाददाता विवेक ठाकुर। मकान का वो बोल गए, मूर्ति भी नहीं, पैसे ना मिले वाके, और बिजली कनेक्शन ना मिला। राज्य सरकार ने उस टाइम अपने कई वादे किए थे, जिनमें से कुछ वादे पूरे हो पाए हैं, कुछ अभी नहीं हुए हैं। जैसे कि अपने वादे थे, वो 50 लाख रुपए था, वो सहायता राशि दे दी गई है। उसके बाद एक सरकारी स्कूल या कॉलेज का नामकरण था, वो नहीं हुआ है, और एक परिजन के लिए नौकरी थी, वो भी अभी तक नहीं मिल पाई है। और शहीद स्मारक के लिए बहादुर सिंह कोहली सांसद अपने, उन्होंने घोषणा की थी 10 लाख रुपए, वो अभी तक नहीं बना पाए हैं, उसको नहीं अब तक राशि पहुंची हमारे पास। पानी के लिए बोरिंग वगैरह लगाए? हाँ, वो पानी के लिए बोरिंग थी, वो केंद्र सरकार द्वारा वो अपने लग गया है। केंद्र सरकार द्वारा आपको सहायता जो थी, जो वादे थे उन्होंने पूरे किए? हाँ, केंद्र सरकार जो थे वो हमें पूरे मिल गए हैं। पढ़ने लिखने में भाई है सो भाई साहब, मतलब तू सम्मान की चीज नहीं करी उसको, सरकारी में पढ़े हो और जो छुट्टी आवे हो, जो भी मतलब जो यहाँ बालिक संघ के दौर करे, उनके संग दौर करे हो, उसका व्यवहार हो, व्यवहार कैसा था? व्यवहार ऐसा साहब बहुत बढ़िया, सबके मतलब संपर्क मिलके चलने वालों आदमी। आपसे जो राज्य सरकार ने जो वादे किए थे, क्या वो पूरे हुए? वादा कछु कह रहे हैं। कौन कौन से वादे थे जो वादा साहब? एक तो मतलब जो स्मारक को ये बोल के गए वो वादा ना हो, एक मतलब हाँ ये कि स्कूल के बारे में तो बोल रहे वो ना हो, ये सर बिजली एक बिजली को मतलब कनेक्शन को रह रहे हो, वो भी नहीं हुआ।